इंसान ने चांद पर कदम तो 1969 में ही रख लिया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद आज भी हम चांद के रहस्यों से अनजान हैं। चांद जैसा हमें दिखता है हकीकत में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तक की गई खोजों से चांद की उत्पत्ति और उसकी संरचना पर शक होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि चांद को एलियंस के द्वारा बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा चांद आर्टिफिशियल उपग्रह है जो अंदर से खोखला है, और एलियंस ने इसे हमारी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया है। हम आज आपके सामने ऐसे तर्क रखेंगे कि आप चांद के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बात करते हैं एक ऐसे सवाल से जो बताता है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। एक रूसी संस्था सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसे स्पेस शिप मून थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस लेख में ऐसे तथ्य और प्रमाण दिए गए थे जिनसे इस अवधारणा को बल मिला कि हो सकता है कि हमारा चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह ना हो। ये सवाल इसलिए उठाए गए क्योंकि अभी तक चंद्रमा की उत्पत्ति ही शक पैदा करती है। चांद की उत्पत्ति को लेकर अभी तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हों, उन्हें अभी तक 100% सही नहीं माना जाता और सारे सिद्धांत अनुमान पर ही लगाए गए हैं। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिचेल का मानना है कि चांद की सतह पर भारी धातुओं की अधिकता है, जबकि अंदर की तरफ से ये हल्का है। इस बात के सबसे ज्यादा प्रमाण उस समय मिले जब 20 नवंबर 1969 के बाद चांद पर बनाए लैंडिंग स्थान से 40 मील दूर एक ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब वो ल्यूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर टकराया तो उसका असर 25 मील भीतर तक दिखा था, क्योंकि चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को कुछ इस प्रकार प्रतिध्वनित किया जैसे कि वो कोई खोखली घंटी हो, और कंपन अगले 3 घंटे 20 मिनट तक लगातार मिलते रहे, बिल्कुल एक घंटे की तरह। ऐसा ही प्रयोग एक और अपोलो मिशन में किया गया और नतीजे वैसे ही रहे। इस बार टक्कर की क्षमता 11 टन TNT के बराबर थी। चंद्रमा के खोखले होने का ये भी एक विचार है कि यह एक धातु के खोखले गोले की तरह है जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है, और उस सतह की मोटाई लगभग 25 मील है। नासा का भी यही कहना है कि चांद की सतह से 2 से 3 मील की गहराई पर धातु की एक मोटी परत है। वैज्ञानिकों की एक समस्या चांद के गुरुत्वाकर्षण को लेकर भी है कि अगर चंद्रमा और पृथ्वी जब समान प्रकार के धूल और गैस के बादलों से बने हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल अलग क्यों है। इस बात पर एक वैज्ञानिक कार्ल एडवर्ड का कहना है कि कोई भी प्राकृतिक उपग्रह खोखला या अंदर से हल्का नहीं हो सकता, और अगर चांद प्राकृतिक नहीं है तो ये आर्टिफिशियल है। दोस्तों, चंद्रमा पर लगभग 3 लाख से भी ज्यादा गड्ढे यानी क्रेटर हैं। इसका मतलब चंद्रमा पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बुरे तरीके से बम की बारिश की हो। लेकिन चांद की सतह अपनी संरचना के कारण आश्चर्यजनक रूप से कठोर है, और इतनी भारी टक्करों से उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। चांद पर उपस्थित गड्ढे इस बात का सबूत हैं। एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोई 6 मील व्यास का पिंड जमीन से टकराए तो कम से कम 25 से 30 मील गहरा गड्ढा बनना चाहिए, मगर चांद पर ऐसा नहीं है, और आश्चर्यजनक रूप से 60 मील व्यास वाले पिंड भी केवल 2 मील गहरा गड्ढा ही बना पाते हैं। ये बहुत ही अजीब है, और ऐसा चंद्रमा की सतह पर मौजूद तत्वों की उपस्थिति का नतीजा है जिनके बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि चांद को भीतर से खोखला करने के दौरान सारे तत्व अंदर से निकालकर बाहर की सतह पर फेंक दिए गए हों। दोस्तों, चांद तक जाने वाले अपोलो अभियानों में चांद को गहराई से जानने का मौका मिला, और ये सामने आया कि चांद पर ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। अपोलो अभियान के दौरान चांद की चट्टानों में शुद्ध टाइटेनियम पाया गया जो कि बेहद कठोर और उच्च तापमान को सहने योग्य धातु है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम 236, नेपच्यून 237,
क्रोमियम और जर्कोनियम जैसे खनिज मिले हैं। दोस्तों, चांद की चट्टाने अति तापरोधी और ऊष्मा की जबरदस्त कुचालक हैं, इसलिए चांद के कभी बहुत ज्यादा गर्म होने के प्रमाण नहीं मिलते। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब चांद और पृथ्वी एक जैसे बादलों से बने तो फिर ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर लोहा भारी मात्रा में पाया जाता है जबकि चांद पर नहीं। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति काफी मात्रा में है और वो चांद पर नहीं। इसके साथ ही चंद्रमा पर धातुओं में ऑक्सीडेशन बहुत कम या नहीं के बराबर पाया गया। अगर कोई आर्टिफिशियल अंतरिक्ष यान बनाया जाए तो उसमें भी यही गुण पाए जाएंगे कि वो अंदर से खोखला होगा और बाहर से मजबूत। अगर चांद वाकई एलियंस द्वारा बनाया गया है तो इसको एकदम खोखला ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चांद प्राकृतिक उपग्रह है या एलियंस द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान? आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।